गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सीमा गुलाटी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को एक ऑर्गेनिक प्रिपरेशन करना सिखाऊंगी। हमारी आज की प्रिपरेशन का नाम है प्रिपरेशन ऑफ मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। आप जानते ही हैं कि नाइट्रो समूह एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है का मतलब नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण ऑर्थो एवं पैरा पोजीशंस पर डेल्टा धनमान बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इसलिए इनकमिंग जो नाइट्रोनियम आयन है वह मेटा पोजीशन पर आक्रमण करेगा और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। एरोमेटिक वलय का हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मैकेनिज्म देखिए इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म को मैं बेंजीन से समझा रही हूँ। यहाँ पर जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया करते हैं तो नाइट्रोनियम आयन बनता है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं देता है, इसलिए जब हम बेंजीन की से क्रिया कराते हैं तो एरिनियम आयन बनता है जो बाद में प्रोटॉन को त्याग कर नाइट्रेशन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है। इसके बाद इस रिएक्शन को करने के लिए हमें कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड हैं वह देखिए। सबसे पहले इसमें हमें नाइट्रोबेंजीन चाहिए और ये नाइट्रोबेंजीन हमें लगभग 7.5 ml के आसपास रिक्वायर्ड होती है। HNO3 फ्यूमिंग होना चाहिए, वो हमें 9 ml रिक्वायर्ड है। और H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए, इसके लिए हमें 13 ml जो है वो रिक्वायर्ड है। ये तीनों केमिकल हमें इकट्ठे कर लेने हैं, उसके बाद हम इस प्रोसीजर को अब शुरू करते हैं। इसकी विधि को देखिए कि कैसे हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन से सिंथेसाइज करेंगे। सबसे पहले हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे जो कि 250 ml वाला राउंड बॉटम फ्लास्क होना चाहिए। इस पर हम रिफ्लेक्स कंडेंसर फिट कर लेते हैं। इसमें हम रिफ्लेक्स कंडेंसर के थ्रू ही 9 ml फ्यूमिंग HNO3 पहले डालेंगे। इसके बाद इसमें 13 ml कंसंट्रेट H2SO4 को धीरे धीरे मिश्रण को हिलाते हुए डालते हैं। फ्लास्क को समय समय पर ठंडा करना चाहिए क्योंकि यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे फ्लास्क बार बार गर्म हो जाएगा। उसे हम ठंडा करते हुए और फिर उसके बाद H2SO4 को धीरे धीरे मिलाते हैं। इस तरह से ये हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। अब इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में हम एक एक ml जो है नाइट्रोबेंजीन को धीरे धीरे हिलाते हुए डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल 1-1 ml के फ्रैक्शन ही डालने हैं इसमें धीरे धीरे। अगेन ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए जो मिश्रण है, जो रिएक्टिंग मिक्सचर है हमारा, वो भूरे रंग का हो जाता है, लाल भूरे सा रंग का हो जाता है। इस फ्लास्क को हम वाटर बाथ पर 30 मिनट के लिए रिफ्लेक्स करते हैं, है ना।
नीचे हम बर्नर लगा देंगे और वाटर बाथ ले लेंगे और फिर हमारे इस रिएक्शन मिक्सचर को स्टैंड पे कस के हम रिफ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं। लगभग 30 मिनट के आसपास यह रिएक्शन, यह नाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। पर फिर भी हम टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो नाइट्रेशन है कंप्लीट हुआ कि नहीं, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बना कि नहीं, उसके लिए हम 2-3 बूंद जो है ठंडे पानी में डाल के देखते हैं। अगर नाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जो है वो पीले ठोस रंग का होता है, अगर हमें प्रेसिपिटेट दिखने लगे पीले रंग का, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो है वह रिफ्लेक्स कंप्लीट हो गया है। अगर रिफ्लेक्स जो है कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम इस फ्लास्क को ठंडा करते हैं पहले, और फिर उसको 300 ml के आसपास बर्फ के पानी में इस फ्लास्क के मिश्रण को जो है उलट देते हैं। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन पीले ठोस के रूप में अलग हो जाता है। अब हम इसे बुकनर की मदद से और सक्शन की मदद से छान लेते हैं। छानने के बाद इसे वॉश करेंगे हम। इसको हम जल से वॉश कर सकते हैं क्योंकि मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जो है वह इंसॉल्युबल है, वाटर इंसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलता है, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जितना भी मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन पे H2SO4 या HNO3 लगा होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। अगर हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करना है तो हम रेक्टिफाइड स्पिरिट से इसका रिक्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं। इस प्रिपरेशन की जो यील्ड है, उपलब्धि है, लब्धि है, वो हमारी लगभग 8 ग्राम के आसपास आती है। रिक्रिस्टलाइजेशन से, अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं और उससे जो हमें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिलता है उसका हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल के प्योरिटी ऑफ जो कंपाउंड है वो भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कंपाउंड प्योर बना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 90 डिग्री के आसपास आना चाहिए। आज हमने मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन सिंथेसाइज किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और प्रिपरेशन लेंगे। थैंक यू।